Hey everyone, welcome to another video on cool kitchen tools which will make your cooking much easier, pleasantable and enjoyable. So let's start with it, but before watching, do subscribe, like, share and comment. Press the bell icon, choose all notifications for the latest update. So without any further ado, let's start with it. इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए टूल्स को पांच कैटेगरी में बांट दिया है। अगर आप गौर करेंगे, इसमें पूरा कुकिंग का प्रोसेस कवर होता है, जिसमें ये टूल्स आपकी मदद करेंगे पूरा किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद कैबिनेट ऑर्गेनाइजर फर्स्ट। इस कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट आता है लेजी सूजन। ये एक रोटेटिंग ट्रे होती है। इट अलाउज टू ऑर्गेनाइज योर किचन सप्लाईज। ये एक रबर बेस के साथ आता है, जिसकी वजह से आपका सामान फिसलता नहीं है। स्पेशली टॉप शेल्फ, डीप शेल्फ के लिए मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे हाथ पहुँचना काफी मुश्किल हो जाता है। आप इजीली पीछे रखा हुआ सामान उठा सकते हैं विद इट्स स्मूथ रोटेशन। ये मैंने होम सेंटर से लिया था, पर अमेजोन पे भी अवेलेबल है। देखिए, देखने में भी सुंदर लगता है। कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा प्रोडक्ट आता है ये थ्री टायर कॉर्नर सरफेस। दिस इज आइडियल फॉर डीप ड्रॉर्स। इसमें भी रबर का सरफेस दिया गया है, जिससे आपकी चीजें स्लिप नहीं करती। कम से कम 10 से 11 बॉटल्स ये स्टोर कर सकता है। जनरली हम लोग इस तरीके से बॉटल रखते हैं, पीछे क्या पड़ा हुआ है हमें बार बार उठा के देखना पड़ता है और काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। प्लस पता भी नहीं लगता क्या चीज खत्म हो गई है या नहीं। लेकिन अगर कॉर्नर रैक होगा तो पीछे पड़ी चीजों को ऊपर की तरफ उठा देगा और स्पेस भी आपका साथ साथ बचाएगा। ये प्रोडक्ट भी मैंने होम सेंटर से ही लिया है, बट अमेजोन पर भी अवेलेबल है। ये देखिए, टिल्टेड बॉटल है ये, जिससे स्पेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना बहुत इजी होता है। फ्लैट फ्रंट होता है इसका। आप लेबल भी कर सकते हैं, जिससे इजी हो जाता है आइटम्स को देखना। सेकंड कैटेगरी फॉर किचन टूल इज चॉपिंग। अगला आइटम है ये नाइफ शार्पनर। इट इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट अगर कुकिंग का प्रोसेस जल्दी करना है तो। सिर्फ 3-4 बार इस रॉड पे धार लगाएं एंड यू आर गुड टू गो। हमेशा मेक श्योर करें कि चाकू की धार शार्प होनी चाहिए। एक तो टाइम सेव होता है, दूसरा आसानी से चॉपिंग भी हो जाती है। ये देख सकते हैं आप कितना पतला पतला ये पीस निकल के आ गया है। चलिए, नेक्स्ट इज दिस वेजिटेबल कटर। इट कम्स इन सेट ऑफ 6 पीसेस, जिसमें ये बड़े पीसेस में कट करने के लिए अटैचमेंट है। ये ग्रेटर है मोटा ग्रेट करने के लिए, ये छोटे पीसेस के लिए अटैचमेंट है। स्लाइसर, अगेन ग्रेटर, बहुत महीन करने के लिए। देन ये स्क्रेपर है, जो ये पीछे ग्रूव्स में फंस जाती हैं सब्जियां, ये एंगल्ड है तो बहुत इजीली निकल आती हैं, ये इस तरीके से। लेट मी शो यू, इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। छोटा, बस आपको रफली चॉप करना है और जस्ट आपको इसके अंदर चॉप करते जाना है। ये देखिए, एकदम यूनिफॉर्म करके देगा। स्पेशली अगर आप जॉब पे जा रहे हैं या ज्यादा भरते के लिए प्याज टमाटर चाहिए होता है, तो हार्डली टेक्स एनी टाइम। ये देखें, और ये जो पीछे ग्रूव्स में फंस जाता है, बहुत इजीली निकल आता है स्क्रेपर से। ये बड़े पीसेस कट करने के लिए रफली चॉप करना है। ये देखिए, गोभी हो गया, आलू हो गए, या लौकी, तोरी, कुछ भी। ये देखें, नेक्स्ट टूल इन चॉपिंग कैटेगरी इज एप्पल स्लाइसर एंड एप्पल कोरर। ये देख लेते हैं एप्पल कोरर क्या करता है। ये देखें, कई बार हमें विदाउट स्लाइस करे एप्पल खाना पसंद आता है, तो ये कोरर जो है पूरा कोर, अंदर का पिप्स जो होते हैं, हार्ड सीड होता है, पूरा का पूरा निकाल देगा। जस्ट आपको एक हल्का सा प्रेशर देके, ये देखिए, पूरा का पूरा ये कोर जो होता है इसका बाहर निकल आएगा एप्पल का। हल्के से आप बाहर खींच लीजिए, ये देखिए पूरे सीड्स वगैरह बाहर निकल आए, ये पूरा हॉलो हो गया, आप देख सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है जब बच्चों को देना होता है। ऐसे ही ये स्लाइसर है,
बच्चों का टिफिन पैक करना है, जल्दी करना है, सुबह जल्दी होती है। ये मैं आपको वापस डाल के दिखा देती हूँ डेमो देने के लिए। ये आपने ऐसे ही रखना है और एक थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर देना है, पूरे के पूरे स्लाइस अलग हो जाएंगे और कोर अलग हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, टाइम सेव करता है बहुत ज़्यादा। ये देखें, यूनिफॉर्म कट करके देता है आपको। ये देखें कि क्योंकि ब्लेड शार्प है इसलिए लिड के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट कमाल का प्रोडक्ट है ये जेस्ट रिमूवर। ये क्योंकि लेमन या ऑरेंज का जेस्ट का फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा होता है, आप इसको सूप्स में, केक में, सैलड में यूज़ कर सकते हैं, बट जेस्ट लेना बहुत ट्रिकी होता है, सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टूल। ये देखिए कितनी आसानी से ये पूरा इसका स्किन या जेस्ट निकाल दिया, पूरा येलो पार्ट निकाल दिया, क्योंकि अगर आप वाइट पार्ट निकालेंगे तो कड़वा हो सकता है। तो ये बहुत यूजफुल और हेल्पफुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कुकिंग के हेल्पिंग टूल्स, जिसमें पहला आता है ये स्पून रेस्ट। जब भी हम खाना बनाते हैं तो कड़छी में तेल के या सब्जी के रेजिड्यू लग जाते हैं, जो हम इधर उधर रखने की वजह से पूरी किचन मैसी तो होती ही है, बार बार ढूंढना भी पड़ता है कि कड़छी गई कहाँ। बट स्पून रेस्ट जो है इट प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ कुकिंग फ्लूड ऑन टू काउंटर टॉप और एंड कीप्स योर किचन नीट। नेक्स्ट यूजफुल आइटम इज पॉट होल्डर विद नॉन स्लिप ग्रिप। जनरली हम इस तरीके के नैपकिन्स यूज़ करते हैं कुकिंग करते हुए, जो गीले हो जाते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, स्मेल आने लग जाती है, अनहाइजेनिक लगता है, सो दीज सिलिकॉन पॉट होल्डर आर द सॉल्यूशन। बहुत अच्छा से पर्पस सॉल्व करते हैं, स्पेशली डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर ग्रिप। ये देखें, फिंगर और थंब के लिए प्रॉपर जगह है, बहुत ही ईजी है, ड्यूरेबल है, ईजी टू मेंटेन है, कोई स्मेल नहीं है, ये देख सकते हैं आप, वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। अनदर टूल इज दिस स्पैचुला, सिलिकॉन का है। ये बेसिकली केक पर आइसिंग लगाने के लिए यूज होता है, बट मैं इसको सब्जी ट्रांसफर करने या दूध के पतीले में जिद्दी जो मलाई होती है उसे उतारने में यूज करती हूँ। एक बूंद भी बर्तन में नहीं छोड़ता, नो वेस्टेज ऑफ फूड, बर्तन धोने में ईजी हो जाता है, हाथ गंदे नहीं होते, एंड मैं बताऊं चीज़ बहुत छोटी है लेकिन रोज़ाना अगर आप देखेंगे फ़ायदा बहुत ज़्यादा देती है, मस्ट बाय है ये भी। अदरवाइज सब्जी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितना भी पूरा रेजिड्यू उसको पूरा निकालने में, बट दिस इज़ मिराकुलस। अभी भी हॉट पैन या वेसल काउंटर टॉप पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, तो उसी के लिए मेरा नेक्स्ट टूल है बैम्बू ट्रिवेट्स। इट प्रोटेक्ट सर्फेस फ्रॉम डायरेक्ट हीट ऑफ पैन। अल्ट्रा लाइट होते हैं, एलिगेंट लुक देते हैं किचन को, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखें, गैप है टू कूल ऑफ द डिशेस क्विकली। स्टील के ट्रिवेट्स में रस्ट लगने का डर होता है, थोड़ा डिफिकल्ट टू मेंटेन होते हैं। अब बढ़ते हैं स्टोरिंग सेक्शन की तरफ। दिस इज माय फेवरेट टूल, लेमन स्टोरेज बॉक्स। गर्मियां आ गई हैं और हर कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेमन ले रहा है, तो उसको स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सूख जाते हैं। ये देखिए ट्रे दी की गई है इसमें, उसको होल्ड करने के लिए लेमन को ईजिली। काफ़ी अच्छा बॉक्स है, लाइट वेटेड है, स्लीक है, लॉक इसका बहुत अच्छा है, फ्रिज में कहीं पे भी फिट हो जाता है, और ये बॉक्स को हम -20 डिग्री टेम्परेचर तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर स्टोरिंग लेफ्ट आउट अनियंस, सैलड्स और एनी लेफ्ट ओवर इन स्मॉल क्वांटिटी। शेप भी अनियन एंड लेमन की ही दी हुई है, क्योंकि कई बार कम क्वांटिटी को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेसल नहीं मिलता, तो उसके लिए परफेक्ट है, काफ़ी सुंदर दिखते हैं, एलिगेंट लुक देते हैं किचन को, और लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज दिस सिलिकॉन लिड, इट क्रिएट्स वैक्यूम एंड होल्ड द वेसल टाइटली। कई बार छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे एक ग्लास दूध, दही का कप, चाय को ढकना या कटोरी में रखी हुई सब्जी स्टोर करना, ढक्कन ही नहीं मिलते, सो दिस इज द सॉल्यूशन। मैक्सिमम प्रोडक्ट मैंने होम सेंटर से लिए हैं, बट अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लीनिंग टूल्स की तरफ। दिस इज स्मॉल डस्टिंग ब्रश, बहुत काम की चीज़ है, कुछ भी स्लैब पे गिर जाता है, जैसे आटा, दाल या मसाले ट्रांसफ़र कर रहे हों, तो ये छोटे वैक्यूम की तरह काम करता है, बहुत ही फ्रूटफुल है। नाउ कम्स द सिंक क्लीनिंग ब्रश। मेरे पास दो हैं,
एक सिंक के लिए एक मैं इसे बॉटल भी साफ करती हूँ। ये देखिए लॉक आ जाता है और ये अब इसको बड़ा करके लॉक कर सकते हैं। ये एंगुलर ब्रश है जिसकी वजह से बॉटल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल ब्रशेस जो होते हैं क्लीनिंग के लिए वो नीचे तक नहीं पहुंचते और जो एंगल्स हैं नीचे के ग्रूव्स हैं वो नहीं साफ कर पाते। अब ये एंगुलर होने की वजह से ब्रिसल्स काफ़ी इसके हार्ड हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बॉटल क्लीन कर देता है। सिंक भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है। जब साइज़ छोटा करना हो ये बटन रिलीज़ करें और अकॉर्डिंगली इसका साइज़ एडजस्ट कर लें। So guys, I hope you like the video and I shall see you in my another one. Till then, stay happy, stay blessed, lots and lots of love and peace to you guys, and do subscribe, like, share and comment. Bye friends.